का जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर डीजीपी यूआर साहू का बयान सामने आया। कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी विभाग पूरी तरह से तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। तय सुरक्षा मापदंड के तहत सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस को लेकर दो बार बैठक कर चुके हैं। सीएम के निर्देशों की पालना में सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का भी इस दौरान संबोधन होने वाला, और यही वजह है कि बेहद खास ये कॉन्फ्रेंस, जिसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इसे लेकर बैठक की और दिशा निर्देश जारी किया, जिसे लेकर डीजीपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि निर्देश के अनुसार सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं अभी 5 तारीख से 7 तारीख तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। सालाना ये कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री एवं अन्य सभी गृह विभाग से संबंधित अधिकारी एवं डिग्निटरीज सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में विषय वस्तुओं पर अलग अलग विषय पर अलग अलग समय में चर्चा की जाएगी 2-2.5 दिन तक। और जहां तक वीवीआईपीज और डिग्निटरीज की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, नियम और आदेशों के मुताबिक जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए राजस्थान पुलिस को, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा इस कॉन्फ्रेंस की आयोजन के संबंध में 2 बार बैठक लेकर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों को सही तरीके से तैयारियों को अंजाम कराने के लिए और व्यवस्था सभी सुचारू करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सत्ता बदलते ही जनता को गुड गवर्नेंस का फील मिलना चाहिए। सीएम के इस निर्देश के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ नई पहल शुरू करते हुए थाने पर जन सुनवाई करते नजर आए। पहली जन सुनवाई आज शिप्राप्रत थाने से शुरू की गई। यहां अधिकांश मामले जमीनों से संबंधित आए। इनमें घर पर जबरन कब्जा करना, किराएदार बनकर मकान मालिक को धमकाना, पार्किंग विवाद और हॉस्टल पीजी विवाद से जुड़े हुए मामले भी सामने आए। इस पर एक खास रिपोर्ट। पुलिस थाने में शिविर, जी हां, पुलिस थाने में समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पहल करते हुए ये शुरुआत की है। जिसके बाद थाने में फरियादियों की भीड़ लग गई और जमीन से लेकर घर पर कब्जा, धमकी, पार्किंग विवाद जैसी शिकायतों का अंबार लग गया। इतना ही नहीं, मानसरोवर थाने के पूर्व सीआई और मौजूदा एएसआई पर भी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे। अरे जो 2019 में उन्होंने ताला तोड़कर रहने लग गए थे और उसके बाद उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस से हम बार बार आते थे, कमिश्नर साहब ने यूं ही कहा है कि आपके जो है जो अवैध रूप से उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर किराए के जो दिए रसीदे, और उनके खिलाफ कार्रवाई, 420 का केस है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। थाने गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वहाँ से मेडिकल वगैरह हुआ लेकिन एफआईआर कोई भी दर्ज नहीं हुई। तो आज हम जन सुनवाई में कमिश्नर सर से मिलने आए हैं, बिजू सर से। उन्होंने बोला है कि यहीं से वो सारी अब प्रोसीडिंग्स करेंगे और वो सुनवाई करेंगे, यहीं से एफआईआर दर्ज कर दे। कुल मिलाकर पीड़ितों को कमिश्नर की इस पहल से तत्काल न्याय मिलने की एक नई आस जगी है। प्रकार का शिकायतें आई है, कोई मुकदमे के संबंधित है, कोई तुरंत रेस्पॉन्स नहीं होने के संबंधित है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज चलने के संबंधित है, तो धीरे धीरे एक एक करके हम उसको एड्रेस करके व्यवस्था ठीक कराने का पूरा प्रयास करें। फिलहाल सत्ता बदली है और सीएम के निर्देश है कि जनता की सेवा ही लक्ष्य होना चाहिए।
छिपरापत थाने में पहली जनसुनवाई हुई, जहां पर बड़ी तादाद में अलग अलग तरह की शिकायतें मिली। शिकायतों को सुनकर के तुरंत समाधान के निर्देश भी कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है इस पुलिसिंग को लेकर के, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर।